नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख रहे हैं फिल्मी अड्डा रेडियो अड्डा पर, और हर बार कुछ न कुछ नया होता है। नए किरदार आते हैं, नए कलाकार आते हैं, नई कहानियां आती हैं, नए इमोशंस आते हैं। आज फिर एक बार हमारे स्टूडियो रेडियो अड्डा के स्टूडियो में आए हैं नए कलाकार, कलाकार ही नहीं फिल्म डायरेक्टर और एक्टर। तो हमारे साथ है सीरीज, जो वेब सीरीज आ रही है मेरी प्यारी निकी के, डायरेक्टर एक्टर राजीव सिंह, और साथ में है अंजू जाधव जी, और साथ में है हरिशंकर जी। तो आज जो हमारे साथ ये जो टीम जुड़ी है, इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है और कम किरदार कम खर्चे में, और कहें कि बहुत ही प्यारी फिल्म जो बन के आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पीछे की कहानी और आगे आने वाली जो सीरीज है इसमें क्या क्या आप देखने वाले हैं, उन सब की बातें करेंगे। तो सबसे पहले राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। तो चलिए बातें शुरू करते हैं कि जो हमेशा हमारी जो शुरुआत होती है वो कहानी से होती है, तो कहानी के बारे में थोड़ा सा शुरू से बताइए। कहानी अगर वन लाइन में बताऊँ तो ये एक अनसेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड लव्ड जो होता है, जो इसका प्यार पूरा नहीं हुआ है, वैसा है। और अब क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है तो इसमें एक भी चीज़ ऐसा डिस्क्लोज कर देंगे तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। तो ये ऐसी सीरीज़ है, 5 एपिसोड की सीरीज़ है, और ये मैं बहुत दावे के साथ बोलूँगा कि इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंगेजिंग, और एक ही लोकेशन पे है, और 95% सीरीज़ में सिर्फ 2 एक्टर हैं। और जो आपको पता है कि आज के ज़माने में एक बिग प्रोडक्शन कॉस्ट, बड़े बड़े स्टार्स और क्या क्या नहीं होते हैं, करोड़ों के खर्च होते हैं, फिर भी आप इंगेज नहीं कर पाते, ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ बोलूँगा कि अगर किसी ऑडियंस ने इसको 10 मिनट देख लिया तो उसको 5 एपिसोड देखना पड़ेगा, और जब वो 5 एपिसोड देख लेगा तो उसको एक बोलते हैं ना, एक प्योर कहानी, एक प्योर आर्ट फॉर्म दिखेगा। और यही मेरी कोशिश है और हमारी पूरी टीम की कोशिश है, और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से हमने बनाया है। तो आप लोग बिल्कुल डेट लॉक कर लीजिए, 21 अप्रैल को ये सीरीज लॉन्च हो रही है। तो आप लोग कहीं भी रहे देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कहीं सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके घर पर आपकी फिल्म मिल जाएगी। तो अंजू जी, आपको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा? मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना अच्छा फील हुआ है ये मूवी में काम करते हुए। कुछ एक अलग किरदार मैं इसमें कर रही हूँ, लोगों ने जो मुझे आज तक उस किरदार में देखा नहीं है, कुछ अलग हटके आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी शोज़ और मूवी की है मैंने, बट जो निकी का कैरेक्टर है वो टोटली डिफरेंट है। इसमें आपको प्यार भी मिलेगा, आपको मतलब प्यारी भी लगेगी निकी, जैसा हमारा टाइटल है। तो पूरा मिक्सचर है ये, तो कुछ अलग हटके आप देख पाएंगे निकी को। और जैसे कि लोग आपको टीवी सीरियल में देखते आए हैं अभी तक, कॉमेडी सीरियल में, तो एक कॉमेडी से हटके नए किरदार को करने में कितना एफर्ट आपको करना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, एक्टर का तो काम ही ये है कि जो उसे किरदार दिया जाए वो उसमें ढल जाए। तो जब मैं टीवी शोज़ किए हैं, और जो मेरा अभी रिसेंट शो चल रहा है वागली की दुनिया, जिसमें मैं कियारा प्ले कर रही हूँ, एक स्ट्रिक्ट बॉस जो बहुत ही काम को लेके इतनी पैशनेट है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो अपने हक के लिए कुछ भी करेगी, बट उसके साथ साथ वो सॉफ्ट हार्टेड भी है। ये कैरेक्टर जो मैंने वहाँ प्ले किया, एंड अभी मैं निकी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी काफ़ी मिलती जुलती है। देखा जाए कि काम के लिए पैशनेट है, तो निकी भी काम के लिए बहुत पैशनेट है। लेकिन जो निकी है और जो कियारा है काम के लिए पैशनेट है, क्या अंजू भी उतनी पैशनेट है? तभी तो कर रही है कियारा और निकी। पैशनेट तो है, अगर पैशन नहीं होगा तो हम हमारे किरदार में जान नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री जो फिल्म थी सीरीज में थी वो काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिली, फिल्म के सॉन्ग में भी देखने को पता चला कि काफ़ी अच्छा उसमें जो गाने में फिल्माया गया है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिख रही। क्या वो सेट पे भी ऐसी केमिस्ट्री थी?
एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके को एक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से आपको कंफर्ट करते हैं. तो जिस तरह से मेरे जो एक्टर हैं तो उन्होंने मुझे हर चीज़ में अच्छे से कंफर्ट किया. उन्होंने मतलब एक जो जेंटलमैन क्वालिटी होती है इंसान में, आप कहना चाहते हैं तो जेंटलमैन यस लवाज फाइनली जो लड़कियां देख रही हो जो अगर काम करना चाहते हो राजीव जी के साथ तो बहुत जेंटलमैन है, आप अप्रोच कर सकते नहीं नहीं और ये ऑन सीरियस नोट मैं ज़रूर बोलूँगा कि एज अ डायरेक्टर एज अ एक्टर एक एक्टर के लिए और एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब आप एक लड़की के साथ काम करें को एक्टर को एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं तो उसको कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सीन में इमोशन है या जो आप उसका बेस्ट ऐसे ले ही नहीं सकते. ठीक है अभी जो गाने में केमिस्ट्री बहुत लोगों ने मुझे भी कॉल किया कि यार ये इतना ज़्यादा केमिस्ट्री दिख रहा है ये कैसे हुआ. तो अंजू को मैंने बोला कि क्योंकि ये गाना बहुत ही रोमांटिक है बहुत ही लव सॉन्ग है तो आप इसमें इन्वॉल्वमेंट पहले आप इसको वो बोलो मतलब बोलते ना कि आगे आगे आप चलो. तो आप क्योंकि लड़कों का क्या होता है वो लाइन कब क्रॉस कर जाएंगे उनको पता नहीं है लेकिन जब आपको डायरेक्ट आपने कमांड ही लड़की के हाथ में दे दिया जितना मुझे धीर देना है हाँ, आप मुझे जितना दोगे मैं उतना करूंगा तो उससे क्या होता है कि चीज़ें अच्छी बनती हैं और बहुत ही प्योर होती हैं जो अंजू ने बोला. और शूट के दौरान ही मतलब हमने फर्स्ट टाइम हम लोग मिले एंड उसकी बात उसके बाद भी हम लोग एक अच्छे दोस्त बने बिकॉज ऑफ वो जो भी क्वालिटी आप बोल सकते. तो एज अ डायरेक्टर आपको अंजू और बाकी जो एक्ट्रेसेस होती हैं जो उनके टेंशन्स बहुत होते हैं शूट पे आने के बाद टाइम पे नहीं आती पंक्चुअल नहीं होती तो क्या ये सब क्वालिटीज अंजू में है या नहीं है. नहीं नहीं मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब हम लोग ये प्लान किया हमने मूवी तो दिन में मैं 15-15 नरेशन देता था और आपको ही पता है कि जब इंडिपेंडेंट मेकर फिल्म बनाता है तो लड़की की कास्टिंग हीरोइन की कास्टिंग बहुत ही अलग हो जाती है और मैं बहुत पर्टिकुलर था कि निकी ऐसी होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए तो मैं नरेशन तो देता था लेकिन मुझे ना वो प्रोफेशनलिज्म की कमी दिखती थी कि एक कहानी बहुत अच्छी है और उसके बाद वो आप पूछते हो कि कौन सा बजट है क्या किस कौन सा प्रोडक्शन हाउस है आप ये एक आर्टिस्ट के लिए कहानी अगर कहानी की समझ नहीं है तो कुछ नहीं है. जब मैंने अंजू को नरेशन दिया और अंजू को तो नरेशन बाद में दिया इनका मैंने एक सिर्फ एक एक वीडियो देखा था इंस्टा पे देन मुझे लगा कि जो क्यूटनेस निकी में चाहिए जो सिंप्लिसिटी चाहिए वो है. फिर बात करते हैं आगे बात किया तो वो इतनी सहज है इतनी सिंपल है और शूट पे एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो शायद वो चाहे मेल एक्टर हो या फीमेल अगर उसने समर्पण कर दिया डायरेक्टर को तो वो डायरेक्टर उसका बेस्ट निकाल लेगा और ये अंजू ने किया एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए कि क्योंकि अगर निक्की मेरी प्यारी निक्की में अगर निक्की एक नोट नोट भी नीचे गई प्यारी नहीं रहेगी और पूरा पूरा प्रोजेक्ट बैठ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ इन्होंने जो समर्पित बोला कि अभी बताओ मुझे क्या करना है देन मुझे मिला कि अभी करते हैं. जी आपको कैसा लगा जी आपकी तरफ से तो हरिशंकर जी आपको इस प्रोजेक्ट में जुड़ के और राजीव जी के साथ जुड़ के कैसा लगा. बहुत मज़ा आया काम करके और बहुत कुछ मुझे खुद को भी सीखने को मिला ख़ासतौर से अंजू की पंक्चुअलिटी के लेके बात हम कर रहे थे. तो बहुत ही पंक्चुअल है अगर 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो बिफोर 9 पहुंच जाते सेट पे हमेशा ब्रेकफास्ट के चक्कर में नहीं हमारी टीम छोटी थी लेकिन आप ये इतनी फैसिलिटी मतलब आप बताएंगे क्या क्या था मतलब आपको टी चाहिए कॉफ़ी चाहिए अच्छा ग्रीन टी मांगती थी नहीं हर चीज सब कुछ ग्रीन टी और क्या क्या हरीश भाई ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था. नहीं सब अरेंजमेंट अच्छा था छोटी सी टीम थी हमारी बिल्कुल और बेसिकली शूटिंग बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे थी नहीं तो एक ही शूटिंग कि सिर्फ तो, एक लोकेशन हाँ, पूरे फिल्म तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए उसी में शूट भी करना है उसी में टीम को भी रखना है तो मिनिमम टीम के साथ हम लोगों ने ये
फिल्म सीरीज शूट किया है। बड़ी बात है कि बहुत मेहनत किया सबने, कम रिसोर्सेज में इतनी बड़ी सीरीज को आप लॉन्च कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये पसंद आएगी और आपकी जो सीरीज है सुपर डुपर हिट जाएगी। और बढ़ते हैं कुछ जो बिहाइंड द सीन चीज़ें होती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे नोक झोंक, कभी आप दोनों में तकरार हुई हो कि मैं ठीक है मैं काम नहीं कर रही हूँ आपके साथ मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं तकरार नहीं हुई है, लेकिन मस्तियाँ बहुत हुई है। और जैसे मुझे मैंने कुछ तो याद आया लगता है बिल्कुल यही ऑडियंस सुनना चाहेगी। बोलो क्या? हाँ बोलो, खुद ही कंफ्यूज है, मुझे तो याद नहीं कि उनको याद भी नहीं, तो फिर रहने देते हैं। अभी वो छोड़ेंगे नहीं, ये लोग, मैं तो रुक जाऊँ, ये लोग तो सुनने वाले हैं, वो फिर सोचे कि क्या बोलने वाले हैं। नहीं, वैसे तो सब सारा सब कुछ बहुत अच्छा ही था, ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये था कि जब भी ये टेक देते थे ना, अपनी लाइंस अलग, इनकी हर टेक में अलग लाइंस हो जाती थी, और फिर बाद में मुझे हाँ कि मुझे क्यों नहीं मिलता था। एंड फिर मैं सोचती थी कि यार मुझे अब लाइन लेनी, कब लाइन लेनी, मुझे कब लाइन कब लेनी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अब ये आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं, तो फिर मैं अपनी लाइन ले लेती थी। क्यों ले लेती, तो फिर ये समझ जाते थे, देन वो बैक टू उसी ट्रैक पर आ जाते थे। वेरी नाइस। देखिए ये चीज़ें अभी समझ में आएगी, आप उस टाइम पे इन मोमेंट, हाँ, लेकिन अच्छा था। ये भी चीज़ें होनी चाहिए, मान लीजिए कभी आर्टिस्ट भूल गया तो ये पोजीशन, डायरेक्टर थे तो भाई उनका तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो रस जो है ना, आप जब किरदार में घुसते हो और आप एक चीज़ को जी रहे हो। अभी कुछ सीन था कि एक उसमें सीन है कि वो अपनी हिस्ट्री बताता है कैरेक्टर कि मेरी माँ बचपन में ऐसी थी वैसी थी, और मैं जब बीच पे जाता हूँ तो मेरा है इन प्रोसेस, जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये रहता है, डेस्टिनेशन पता है कि मुझे आना यहाँ पे है, मेरा क्यू रहता है, लेकिन इससे पहले ना मैं पूरा राउंड मार के आता हूँ। उसके बीच में जो को एक्टर है उनको पता है कि ये क्यू के बाद ये क्यू है, तो अभी इनको कन्फ्यूजन हो जाता था कि ये तो अभी निकल गया, अब कब आएगा पता नहीं। तो कभी कभी ये होता था कि मैं पूरा घूम के आ भी गया लेकिन फिर भी ये बैठने की बोल लो। तो फिर मैं किसी हिंट से, क्योंकि एक एक्टर का तीन काम होता है कि एक तो आप डायलॉग भी बोल रहे हो, एक्ट भी कर रहे हो, दूसरा आपका क्यू भी है, तीसरा आपका क्रू भी दिख रहा है, ये कैमरा, ये कैमरा लाइटिंग क्या है, ये भी पता है कि कहाँ कट। तो फिर मैं ऐसे बोलता था कि और निकी यही बात थी ना। तो वो क्यू भी दे देता था इन एक्ट, जो बहुत शायद कोई बहुत बारीक से देखेगा तो मेरे परफॉर्मेंस में वो दिखेगा, पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन मैं क्यू परफॉर्मेंस में ही देता था कि अभी अब आप बोलो। तो यही मजा है, और क्योंकि फाइनली अभी आप बोल ही दो कुछ। और वो मस्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ना पेपर पे जब लिखते हैं हम लोग तो 2D है, उसमें इमोशन नहीं है, जान नहीं है। जब हम उसको लाइव बनते हैं, उसको जिंदा करते हैं, तो जब हम उस कैरेक्टर को जिएंगे नहीं तो वो कैमरे पे नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिल्म करते टाइम पे कभी कोई क्रू आपसे, या फिर आपने क्रू से कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि फिल्म बनते बनते कई बार होती है कि ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ें फिल्म के दौरान हुई या बहुत स्मूथली सारे कुछ? बहुत। कितने दिन का शूट था टोटल? आई थिंक वन शेड्यूल में 10 दिन का शूट था, और उसके बाद 1-2 दिन का एक्स्ट्रा शूट आया, लेकिन हर दिन चैलेंजिंग था। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि निक्की का कैरेक्टर, उसमें एक प्यारी निक्की है, तो निक्की को उस फिल्म में जो कहानी के जो किरदार है निक्की, वो अपने अंजू से आप कितना रिलेट करते हो उस कैरेक्टर को? देखो वो प्यारी निक्की है और यहाँ प्यारी अंजू है, दोनों प्यारी है ना।
इसीलिए तो कास्टिंग हुई, कास्टिंग हुई। तो आपने आपने जब अंजू को कास्ट किया तो उस कैरेक्टर को आपने देखा, तो अंजू के जो पैसे की डिमांड एक तो, हाँ। दूसरा कहानी की डिमांड, हाँ। तीसरा प्रोड्यूसर की डिमांड, हाँ। इस तरह की इन्होंने कोई बातें की या फिर डायरेक्ट इन्होंने हाँ बोल दिया? हाँ, अंजू का क्या था, हम लोग को शुरू में, क्योंकि ये बहुत अभी टीवी में काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी फॉलोअर्स हैं और अच्छा काम कर रही हैं और सिंसियर भी हैं, तो जो इनके प्रोफाइल हैं उसके हिसाब से बहुत डिमांड होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कुछ नहीं है फिर भी डिमांड बहुत होते हैं। तो जब हमने सारा कुछ कर लिया तो फिर अंजू बहुत ईज थी इन सब चीज़ों में, स्टोरी जब पसंद आ गई और जो हमारे प्रोफेशनल टर्म्स थे हमने बोला। और क्या होता है जब आप पहले ही क्लियर हो जाते हो ना, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि कुछ भी ना हिडन मत रखो, पहले ही बोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अंजू ना बोलेगी, फिर हम किसी और को ट्राई करेंगे। और हमारा एक कोशिश था कि हमने शुरू से हमने किसी को अप्रोच किया, हमने ये एटीट्यूड रखा मैं और हरीश भाई ने, कि हमने किसी को अप्रोच किया निकी के लिए, उसने बोला नहीं सॉरी हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो मैंने हरीश भाई को बोला, हरीश भाई ने बोला अब इससे ऊपर जाएंगे हम। फिर उसने बोला, दूसरी ने बोला कि नहीं इससे नहीं, बोला नहीं अभी इससे हम ऊपर जाएंगे। तो अभी अंजू ने अगर ना बोला होता तो हम फिर, और हम थकने वाले नहीं थे, रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा शेड्यूल फिक्स था और ये था। तो अंजू इस मामले में कम्प्लीटली कभी भी इस तरीके से, हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि अंजू जो है ना नहीं बोले, मुझे खासतौर से ये अंजू के लिए ही है करेक्टर, ये निक्की यही है, निक्की हमें मिल गई, अब यही निक्की रही और कोई नहीं आएगा। और इनकी तरफ से जब पॉजिटिव रिस्पांस आया, क्योंकि फर्स्ट इन्होंने बोल दिया करेक्टर बहुत पसंद है, स्टोरी पसंद है मुझे, मुझे करना है, दैट्स इट। तो हमने कहा बस कुछ टर्म्स हैं हमारे प्रोफेशनल टर्म्स, उस पर आप आ जाते हो, तो इन्होंने बोला ठीक है वो सब चलता रहेगा, बट मुझे करना है। हाँ, पैसा ही और डेफिनेटली, अब देखो एक आज भी मैं बोल रहा हूँ, अभी तो वो इनर चीज है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इंटरव्यू में, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी सुन रहे हैं अगर कोई मेकर हैं और जेन्युइन टैलेंट, जेन्युइन एक अच्छी कलाकार एक एक्ट्रेस को तलाश रहे हैं, तो मैं अंजू को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक कभी भी, चलो आपने फिल्म बना ली, ये कर लिया, सीरीज बना लिया, रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी आज तक, और हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एज ए मेकर ना हम कभी डाउन भी होते कभी, तो मैं कभी भी कॉल कर रहा हूँ, कभी बात कर रहा हूँ तो अंजू कह कि अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको बहुत कम एक्ट्रेस में मिलेंगे। एंड मैं ये भी बता रहा हूँ, जिसने जिसने रिजेक्ट किया है या जिसने जिसने मना किया है, मुझे कई कॉल अभी तक आ गए हैं कि ये क्या बना दिया, वो तो बताया नहीं, तो मैं बोला वो तो विजन बताते हो ना आप, आप जब वो बनता है तब मालूम चलता है। सही बात है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स ने बहुत सारी फिल्मों को ना बोला, बाद में पछताए। तो भाई अंजू की जगह पे जिनको कास्ट करना होता था लेकिन वो नहीं कर पाया, आज देख के पछता रहे, काश अंजू की जगह पे होती। मतलब मेरी प्यारी निकी पूरी निकी निकी है, ऐसा लीड रोल मिलना और इस तरीके का किरदार, एक्टिंग, एवरीथिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। और अच्छी कहानी बन जाना, बन के तैयार होना और उसके बाद पब्लिकली आना, बिल्कुल पब्लिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। निकी आपसे एक पर्सनल सवाल है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं? वो तो ऑडियंस को पता ही है, देख ही रहे हैं, उसे बोलने की जरूरत नहीं। उसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपको तो लड़के बहुत सारे इनबॉक्स करते होंगे, डीएम करते होंगे, तो आप कैसे इसको मैनेज करती हैं? करते तो है, पर ये होता है कि आंसर तो नहीं दे पाती हूँ, बट जैसे मुझे करोड़पति आपको ऑफर दे रहा है, बट ये है, मुझे ये अच्छा लगता है कि सब लोग इतना प्यार करते हैं, वो एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मेरे पिक्चर्स एडिट करते हैं, तो जितना मैं उनको अपनी स्टोरी में मेंशन कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ, ताकि उनके काम को, उनकी मेहनत को मैं अप्रिशिएट कर सकूँ इस थ्रू, इस चीज़ के थ्रू, तो वो मैं करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर पाती हूँ, सबको नहीं जवाब दे पाती, बट मैं कोशिश करूँगी कि सबको जवाब दे सकूँ, बट अगर नहीं, जिसको जवाब नहीं दे रही था, आई एम सो सॉरी। देखिए क्या पता कोई डायरेक्टर आपको अप्रोच करना चाह रहा हो वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, 100% मैं तो चाहती हूँ। और राजीव जी आप कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को,
बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के करेक्टर आते हैं वहाँ पे, तो इन चीज़ों को आप कैसे इग्नोर करते हैं या फिर सबको जवाब देते हैं? मैं इग्नोर मतलब अभी मेरा ऐसा तो नहीं हुआ है अभी ऐसा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बहुत सारे ज़्यादा कमेंट आ जाता है, कभी आपका किरदार हिट हो गया, कुछ ये हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ एक बार कनेक्ट करूँ, मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज वो मेरे फैंस नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर होते हैं एक्टर टेक्नीशियंस या ऐसे, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कभी अप्रोच करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहता है यार ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अंजू का सीन अलग है, अंजू को जो उनके फैंस करते हैं, उनके फॉलोअर्स करते हैं और उनका रीज़न अलग है, तो मैं सोचता हूँ एक बार कनेक्ट करूँ, लेकिन एक मैसेज से ही पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं, जैसे कोई बोलता है कि हीरो हमको भी बनना है, बताइए ना कुछ करिए हमारे लिए, हाँ तो ऐसा बहुत बुरे देखते हैं, अरे कुछ कुछ तो ऐसा है, एक लड़का है वो तो डरा दिया मुझे, उसके चक्कर में 2-3 महीना नहीं आया फेसबुक और इंस्टा पे, उसने ये किया कि भैया मैं आपको बहुत देखते आ रहा हूँ कई सालों से, तो एक बार ना आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि मिल लो, तुम मुंबई में रहते हो कि कहाँ रहते हो, तो नहीं मैं बिहार से हूँ और मिलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला क्यों मिलना चाहते हो, तो बोला मुझे एक्टर बनना है, तो मैंने बोला आपने कुछ थिएटर किया है, ट्रेनिंग ली है, कुछ किया है, तो बोला कि नहीं ट्रेनिंग नहीं लिया लेकिन मुझे करना है, तो मैंने बोला आप थिएटर करो कुछ करो, देन अपना शोरील भेजो कुछ करो, देखते हैं कुछ, फिर वो ऐसा पीछे मैसेज पे मैसेज मैसेज कि मुझे आप ऑफिस में रख लो, कोई काम दे दो, कुछ भी करा लो, बस बुला लो अपने पास, तो मैं बोला कि मैं क्या बुलाऊं, तो ये बहुत सारे काम है सीरियसली, तो मैं ऐसे है लेकिन हाँ जो ऐसे लोग हैं जिनको सच में एक्टर बनना है, तो राजू भाई सच बोलते हैं कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए स्टार्ट, रेडियो के लिए भी बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे आरजे बनना है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत बकवास करता हूँ, तो हम उनको समझाते हैं कुछ स्टार्ट करो उसके बाद आप आओ, काम की कमी नहीं है लेकिन स्टार्ट तो करो। तो आगे चल के हम बात करते हैं ये कि अगर आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, आपको रातों रात आप एकदम स्टारडम में एकदम आ जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो आप अपने आप को आगे वाले आने वाले साल में मतलब कि उस स्टारडम को मेंटेन और बैलेंस कैसे करेंगे? आराम से हो जाएगा क्योंकि मेंटेन इसलिए हो जाएगा कि हम लोग मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो वहाँ से जब मैं क्लास 7 में हुआ करता था पढ़ता था, तो मैं जब बोलता था ना मैं एक्टर बनने वाला हूँ, तो लोग बोलते थे गांव में कि बिहार में तो ऐसे भी बोलते हैं आईएएस डॉक्टर इंजीनियर ये सब कुछ छोड़ के ये पागल हो गया, तो ये बनेगा नहीं, ये तो गया। तो हम लोगों ने वहाँ से उठ के यहाँ आते आते आज 12 साल मुंबई में हो गए, तो इतनी चीज़ें देख ली है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, ना आपका सक्सेस फिक्स है, ना आपका स्टारडम फिक्स है। हाँ ये हो जाएगा कि अगर ये हो जाता है तो मेरा उधर फोकस नहीं रहेगा, हाँ मेरी और भी जो कहानियाँ हैं 8-9 कहानियाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हैं, इसका पार्ट 2 लिख के रखा है, और मेरे सपने हैं कि हम लोग सोचते हैं बात करते हैं कि हम जेन्युइन टैलेंट के साथ जो जेन्युइन एक्टर हैं जो हार्डकोर एक्टर हैं, क्योंकि वो दर्द या वो तकलीफ मैं मुझे फील होता है कि मैं एक एक्टर क्या है, एक एक्टर मेरे हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट, आप उसको तबला बोल लो, हारमोनियम बोल लो, महंगे से महंगे हारमोनियम को ले लो, वो एक्टर है मेरे नज़र में। अब वो हारमोनियम की कीमत तब है जब उसको बजाने वाला उसको बजाए और उसको लोगों तक प्रेजेंट करे, उसके बगैर वो एक्टर बेचारा बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा कुछ समय आता है तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रियल टैलेंट के साथ हम काम करें, और ऐसे भी ये भी जो सीरीज है ना बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं, अंजू हैं तो अंजू जुड़ी हैं और बाकी अंजू तो अभी जुड़ी रहेंगी, बाकी ऐसे जैसे ये फेमस के साथ आर्टिस्ट के साथ साथ एक सिंपलिसिटी भी वो बहुत ज़रूरी है, तो काम करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, कहानियाँ बनाएंगे। और आपकी नज़र में सक्सेस क्या है, और आप अभी तक काम करके कितना सेटिस्फाइड है, और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप अभी तक नहीं कर पाए और आप करने की इच्छा है आपकी? देखो एक्टर तो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है,
चाहे वो कितना भी काम कर ले, कितना भी मैं काम करूँ वो मेरे लिए कम ही है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे और काम मिले, हम सब और ज़्यादा काम करते ही रहें। और वो ड्रीम रोल, ड्रीम रोल मेरा ये है कि मुझे पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना है, क्योंकि मेरे फादर एक आर्मी पर्सन थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और मैंने देखा है उन्हें कि किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए सर्व किया है, उन्होंने किस तरह वो, मतलब एक तो मुझे उनका जो गेटअप होता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, एंड जो बुलंद आवाज़ और वो चलने में, बोलने में, और वो एक अलग ही वो ऑरा होता है हमारे आर्मी आर्मी ऑफिसर्स का, तो वो कैरेक्टर में प्ले करना चाहती हूँ, एक दबंग लेडी का। जितने भी डायरेक्टर राइटर जो सुन रहे हैं जो देखेंगे वो आपको अप्रोच करेंगे इस रोल के लिए, बिल्कुल। क्या पता क्राइम पेट्रोल वाले। मैंने बहुत किया है क्राइम पेट्रोल, एंड आई एम वेल थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, उस बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप 2-3 दिन में पूरा एपिसोड बनाते हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैंने भी किया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये जो चीजें ना छोटी छोटी, जैसे क्राइम पेट्रोल, इन सब चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि आप कम समय में कितना काम कर सकते हो, आपको अपनी पोटेंशियल पता चल जाती है कि हाँ। और क्राइम पेट्रोल के जितने भी डायरेक्टर हैं, मेकर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको हैट्स ऑफ। फाइनली सीरीज बन गई और रिलीज भी हो रही है और आप सबके बीच आ रही, तो आप लोग 21 तारीख का जो आपका डेट है उसको ब्लॉक करिए और लॉक करिए और देखिए सीरीज को, जिसका नाम है मेरी प्यारी निकी। और आज मैं आपका दोस्त आर्य दिलीप सिंह यही लेता हूँ विदा, इसी शुभकामना के साथ कि फिल्म सुपर डुपर हिट। Thank you.